हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WhatsApp पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि WhatsApp का यह फीचर किसके बारे में है और यह आपके अकाउंट को किस प्रकार सेफ रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे WhatsApp का टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि टू स्टेप वेरिफिकेशन WhatsApp का एक ऐसा फीचर है जिसकी सहायता से आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होता है, आपके रुपए पैसे या कुछ भी चीज़ हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो WhatsApp का यह फीचर जो है आपके अकाउंट को सिक्योर रख कर देता है। जब आप अपना WhatsApp को एक्टिवेट करते हैं तो आपके नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आता है। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब आप यह फीचर WhatsApp का फीचर अपने फ़ोन में इनेबल कर देंगे तो आपको वेरिफिकेशन OTP के अलावा एक पासवर्ड भी डालना होगा, तभी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि अपने WhatsApp में यह फीचर कैसे इनेबल करते हैं। सबसे पहले आप अपने WhatsApp को ओपन कीजिए। WhatsApp को ओपन करने के बाद राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेटिंग वाले में ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा अकाउंट, आपके प्रोफाइल के नीचे दिख रहा होगा आपको अकाउंट। अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी के नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देख लिया ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे आपको मिलेगा इनेबल का ऑप्शन। उससे नीचे इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करा है इंटर ए 6 डिजिट पिन, मतलब 6 अंकों का एक ऐसा पिन डालना है जो आप याद रख सकें। तो आपके यहाँ जनरली 6 अंकों का हम एक पिन डाल देते हैं। 6 अंकों का पिन डालने के बाद करा है कन्फर्म यू पिन, मतलब आपने जो पिन पहले डाला है वही पिन डाल के यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आप अपना एक ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जिस पर आप पूरा ईमेल पे अपना जो भी आपका अकाउंट में लॉगिन करेगा वो ईमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपनी ईमेल डाल के हम लॉगिन करते हैं, अपना ईमेल यहाँ डाल देंगे। ईमेल डाल के यहाँ अपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। एक बार कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस फिर से डाल दें यहाँ पे। यहाँ पे @ लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे मेल एड्रेस डाल के आपको यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए अप्लाई सेटिंग अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपके ऊपर सामने खुल के आ गया टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल्ड। आपके WhatsApp में अब टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना बाद में अगर आप अपने पिन को बदलना चाहते हैं, अगर आपने आपको ये लगता है कि हमारा पिन कोई जान गया है, तो अपने पिन को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके फ़ोन में कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दिया कि आपने अपने फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लिया है। अब आपको 6 अंकों का एक पिन पता है, आपको वह पिन याद रखना है। अगली बार जब आप अगर आपका WhatsApp अकाउंट मान लो गलती से डिलीट हो जाता है, WhatsApp अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हैं, जब फिर से आप अपना WhatsApp बनाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन OTP के अलावा एक 6 अंकों का जो आपका वेरिफिकेशन पिन था वो डालना होगा, तभी आपका अकाउंट एक्टिव हो पाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर किसी और को पता है, तो अगर आपके मोबाइल नंबर से WhatsApp बनाना चाहता है तो अगर OTP कहीं से उसको मिल गया तो सीधे आपका WhatsApp अकाउंट अपने फ़ोन में खोल लेगा। इसलिए अगर आप अपने फ़ोन में WhatsApp टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किए रहेंगे तो 6 डिजिट का जो पिन है वो केवल आपको पता रहेगा। जब वो पिन उसको पता होगा तभी वो अपने फ़ोन में आपका WhatsApp खोल पाएगा। इस प्रकार आपके WhatsApp पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है और आपके अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस फीचर को आसानी से बताने की कोशिश किया है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।